हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और रेस्टोरेंट स्टाइल रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। ये पास्ता बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो पास्ता बनाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पास्ता को ढंग से बॉयल किया जाए, ना ही ओवर बॉयल होना चाहिए और ना ही इसे कच्चा रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो बॉईल करने के लिए मैंने लिया है खूब सारा पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बहुत थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स ऑयल के, और एक अच्छे से उबाल आने तक हम इसका वेट करते हैं। एक बार स्टर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम पास्ता लिया है, ले सकते हैं कोई भी पास्ता आप ले सकते हैं जो भी आपके पास है। और करीब एक कप पास्ता मैंने लिया है बॉईल होने के लिए। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उसके हिसाब से पास्ता बॉईल करें और बिल्कुल हाई फ्लेम पर 5 to 6 मिनट्स के लिए इसे बॉईल करेंगे। बस ध्यान रखना है पास्ता ओवर बॉईल नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तो आप एक इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है, 90% इसे बॉईल रखना है, बहुत पूरी तरह से बॉईल नहीं होना चाहिए ये। तो पास्ता का जो पानी है उसे निकाल के हम रेडी कर लेंगे। तब तक कुछ वेजीज हम सौते कर लेते हैं। बेसिकली ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पास्ता। आप यहाँ पे कोई भी जो सब्जियां डाली जाती हैं पास्ता में वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ व्हाइट अनियन और कैप्सिकम और येलो बेल पेपर और गार्लिक, और आप चाहें तो इसमें ब्रोकली और कैरेट्स भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें डालेंगे गार्लिक। तो गार्लिक को हमें एकदम पकाना नहीं है, हल्का सौते या थोड़ा सा गार्लिक का जो कच्चापन रहता है वो रहना चाहिए। फिर इसमें डालेंगे वाइट अनियन, डाला है मैंने, आप रेड अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कर लीजिए या फिर इस तरह से मीडियम चॉप करके भी आप डाल सकते हैं। हल्का सौते कर लेंगे। आप इसमें कॉर्न का भी यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे बिना वेजीज के भी बना सकते हैं, सिर्फ अनियन गार्लिक से, लेकिन अगर आप वेजीज डाल देंगे तो इस पास्ता का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ कैरेट्स बारीक चॉप करे हुए, ये रेड कैरेट है, आप ऑरेंज कैरेट का भी यूज कर सकते हैं। कैरेट को बारीक चॉप कर लेंगे तो अच्छे से वो पक भी जाएंगे जल्दी से। और फिर इसमें डाल देंगे हम कैप्सिकम, ये येलो कैप्सिकम है ये डालना है, और ग्रीन कैप्सिकम भी डालेंगे। आपके पास ब्रोकली है तो आप ब्रोकली डाल दीजिए, कॉर्न भी डाल दीजिए। इसको एक बार अच्छे से स्टर कर लेते हैं। और सब्जियों को पकाना नहीं है जैसे कि बताया, थोड़ा सब्जियों में कच्चापन रहना चाहिए, वो क्रंची रखते हैं सब्जियां पास्ता में तो अच्छी लगती हैं। तो ये वेजीज मैंने सौते कर लिया है और बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको हम साइड में रख देंगे, हम पास्ता में इसको बाद में ऐड करेंगे। इसमें हल्का सा चाहे तो बहुत थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। नमक देखिए बहुत थोड़ा सा ही डालें या फिर आप नमक स्किप भी कर सकते हैं। इसमें सॉसेस जब हम बनाएंगे पास्ता की उसमें भी सॉल्ट जाएगा, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए पास्ता में, इसके हिसाब से आप इसमें एडजस्ट करें। सब्जियों में क्रंचीनेस अभी भी है देख सकते हैं, और इसको ऐसे ही सौते करना है। अब चलिए पास्ता के लिए सॉसेस रेडी करते हैं। तो पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा बटर या फिर ऑयल में भी आप इसे बना सकते हैं, बटर में बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। बटर को मेल्ट होने देते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा और गार्लिक सौते करेंगे। पास्ता में ना गार्लिक का जो टेस्ट होता है बटर में, जब उसको हम पकाते हैं गार्लिक को, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पास्ता में। तो ये गार्लिक इसमें ज़रूर डालें, थोड़ा सा इसको थोड़ा सौते करेंगे, फिर इसमें हम सॉसेस ऐड करेंगे।
अब इसमें हम डाल देते हैं केचप, टोमेटो केचप डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं बहुत इजी रेसिपी बता रही हूँ पास्ता के लिए। सॉस रेडीमेड हमारे पास घर में अवेलेबल रहता है, ये टोमेटो केचप और पास्ता सॉस आजकल हमारे पास रहता ही है, तो उससे आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, मार्केट में इजीली मिल भी जाता है। अदरवाइज पास्ता सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो आप उसे ज़रूर चेक करिए। तो टोमेटो केचप डाला है मैंने इसमें, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पास्ता सॉस, और एक चम्मच के करीब मैं इसमें डालूंगी शेजवान चटनी। इससे पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप इसे एक चम्मच के करीब इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो थोड़ा टैंगी और थोड़ा सा स्पाइसी ये पास्ता बनेगा अगर आपने शेजवान सॉस डाल दिया है, अदरवाइज आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं शेजवान सॉस को। थोड़ा सा चिली सॉस, तो जो हमने शेजवान सॉस और जो हमने पास्ता सॉस डाला है उसमें विनेगर होता ही है, तो हम इसमें विनेगर बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे अभी। अब इसमें हम ये वेजीज ऐड कर देते हैं जो हमने सौते करके रखा हुआ था, इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें क्रीमी टेक्सचर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ मायोनीज, ये एगलेस मायोनीज है, प्लेन कोई फ्लेवर मायोनीज नहीं है, प्लेन मायोनीज है। आप चाहें तो फ्लेवर मायोनीज भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको गार्लिक मायोनीज है आपके पास, या फिर फ्लेवर है हर्ब्स वाली, आप वो भी डाल सकते हैं, प्लेन है तो प्लेन भी डाल सकते हैं। तो मायोनीज से इसका जो टेस्ट है अच्छा तो आता ही है, साथ में एक पास्ता का जो एक क्रीमी टेक्सचर है वो भी आता है। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़रा सा, क्योंकि जो मैंने मायोनीज यहाँ पे डाली है उसमें सॉल्ट नहीं है, प्लेन है। अगर आपके पास सॉल्टेड वाली मायोनीज है तो आप ये सॉल्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पास्ता बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला था और सब्जियों में थोड़ा सा नमक डाला था। इसके बाद अब इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे बॉईल करा हुआ। आप देख सकते हैं पास्ता जो हमने बॉईल करे हैं कितने परफेक्ट तरीके से बॉईल हुए हैं, बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं और अच्छे से पके भी हैं। बस अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने मिक्स कर लिया है पास्ता, और देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बहुत अच्छा दिख भी रहा है और बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें हम चीज़ डाल देंगे, तो चीज़ भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चीज़ इसमें डाल देंगे तो क्रीमी चीज़ी पास्ता बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो आप चीज़ हैं तो मोज़रेला चीज़ आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप कोई भी चीज़ इसमें मिक्स कर सकते हैं, टेस्ट में अच्छा ही हो जाता है, अदरवाइज बिना चीज़ के भी आप इसे बना सकते हैं। अब आखिरी में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगैनो और मिक्स्ड हर्ब्स, ऊपर से इसकी सीजनिंग कर देंगे, पास्ता में मिक्स कर देंगे, और ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बनकर रेडी है। सर्व करने के लिए आप इसे ब्रेड के साथ या फिर चीज़ी गार्लिक ब्रेड के साथ आप इसे सर्व करें, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बो है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर पर, रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट आता है और एकदम परफेक्ट रेसिपी बनती है पास्ता की। तो आप इसे ट्राई करें, और जब भी इसका ट्राई करें इसको फीडबैक मुझे इसका ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।